असलम व्यूअर्स वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बी टी वी इन्फरटेनमेंट को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली हर वीडियो से बाखबर रहें मौलाना तारिक जमील के बेटे की मौत के बाद डिप्रेशन और नफ्सिया मसाइल से जुड़े मौजू एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर जेर बहस हैं आलमी इदारे सेहत की 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल एक लाख तीस हज़ार से ज्यादा अफराद ख़ुदकुशी की कोशिश करते हैं खुदकुशी के बढ़ते हुए रुझान के बावजूद इस पर बहुत कम बात की जाती है क्या डिप्रेशन खुदकुशी की एक बड़ी वजह हो सकती है आज तो की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि डिप्रेशन क्या होता है उसकी आलामत क्या है और उसकी वजूहत क्या है डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है जिसको आप मेंटल डिसऑर्डर भी कह सकते हैं मूड डिसऑर्डर में डिप्रेशन और बायपोलर डिसऑर्डर्स आते हैं वक्ता वक्तन हम सब उदासी मायूसी और बेजारी में मुबतला होते हैं अमूमन ये आलाम एक या दो हफ्ते में ठीक हो जाती हैं और हमारी जिंदगियों में इनसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कभी ये उदासी किसी वजह से शुरू होती है और कभी बगैर किसी वजह के हो जाती है आमतौर पर हम खुद ही इस उदासी का मुकाबला कर लेते हैं बाज़ अव दूसरों से बात करके दोस्तों से शेयर करके हम नॉर्मल हो जाते हैं और किसी इलाज की ज़रूरत नहीं पड़ती डिप्रेशन या स्ट्रेस अफसरदगी की एक कैफियत है जो नफसियाती अमराज में सबसे ज़्यादा आम और ख़तरनाक मर्ज है लेकिन इसके बारे में हमारे माशरे में आगाही बहुत कम है बहुत सारे अफराद इसको शख्सियत की खामी के तौर पर देखते हैं है तबीयी या से उदासी अफसर्दगी उस वक्त डिप्रेशन की बीमारी कहलाने लगती है जब इसका एहसास बहुत दिनों तक रहे और ख़त्म ही ना हो या इसकी शिद्दत की वजह से ज़िंदगी के रोज़मर मामूल मुतासर होने लगें डिप्रेशन की बीमारी की शिद्दत आम उदासी अफसरदगी के मुकाबले में कहीं ज़्यादा गहरी और तकलीफदेह होती है डिप्रेशन की कई अलामत हैं जिनका जानना बहुत ज़रूरी है हर मरीज़ में तमाम अलामत मौजूद होना ज़रूरी नहीं लेकिन अगर आप में इन में से कम अज़ कम चार अमत मौजूद हैं तो इस बात का इम्कान है कि आप डिप्रेशन के मर्ज का शिकार हैं डिप्रेशन के मखसूस अलामत में है हर वक्त या ज्यादातर वक्त उदास और अफसुसदा रहना जिन चीजों और कामों में पहले दिलचस्पी हो उनमें दिल ना लगना किसी काम में मजा ना आना जिसमानी या जहनी कमजोरी महसूस करना बहुत ज्यादा थकावट महसूस करना रोजमरह के कामों या बातों पर तोजा ना देना अपने आप को दूसरों से कमतर समझना खुद एतमादी की कमी होना माजी की छोटी छोटी बातों को लेकर अपने आप को इल्जाम देते रहना अपने आप को नाकारा समझना मुस्तबिल से मायूस हो जाना खुदकुशी के ख्याल आना या खुदकुशी करने की कोशिश करना नींद ना आना भूख ना लगना ये आम तौर पर डिप्रेशन की मखसूस अलामत है जो बाहिर आपको नजर आ रही होती है लेकिन इनको समझना हर एक के लिए आसान नहीं इन आला की शिद्दत की सूरत में किसी माहिर नफ्सियात या डॉक्टर से राबता करने में झिझक महसूस ना कीजिए क्योंकि डिप्रेशन के दौरान और शिद्दत का इहसार इन इंसान की शख्सियत औरत मुदाफियत पर होता है अब यहाँ सवाल ये आता है कि डिप्रेशन का मर्ज क्यों हो जाता है बाज लोगों में डिप्रेशन की कोई खास वजह हो भी सकती है और नहीं भी बहुत सारे लोगों को जो उदास रहते हैं और डिप्रेशन का शिकार होते हैं अपनी उदासी की कोई वजह समझ नहीं आती इसके बावजूद इनका डिप्रेशन बार-बार इतना شديد हो जाता है कि इन्हें मदद और इलाज की जरूरत होती है बास तकलीफदेह واقعات मसलन किसी करीबी अजीज का इंतकाल हो जाना नौकरी खत्म हो जाना या कोई ऐसा हादसा हो जाना जिसे आप भूल ना सके कुछ अरसा उदास रहना आम सी बात है अगले कुछ दिनों तक हम नॉर्मल हो जाते हैं और रोजमर्रा जिंदगी में मशरूफ हो जाते हैं लेकिन बाज लोग इस उदासी से बाहर नहीं निकल पाते और डिप्रेशन के मर्ज का शिकार हो जाते हैं डिप्रेशन का मर्ज मारूसी भी होता है जो वालदे से बच्चों में मुंतकिल हो जाता है डिप्रेशन का इलाज साइकोथेरेपी के जरिए भी किया जा सकता है एंटी डिप्रेशन अद्वियात के जरिए भी और बैक वक़्त दोनों के इस्तेमाल से भी आपकी डिप्रेशन की अलामत की नोयत उनकी शिद्दत और आपके हालात को देखते हुए ये मशवरा दिया जाता है कि आपके लिए अद्वियात का इस्तेमाल बेहतर है या साइकोथेरेपी का डिप्रेशन में अक्सर लोगों को अपने एहसास किसी बातमाद शख्स के साथ शेयर करने से तबीयत बहुत बेहतर महसूस होती है बज़ दफ़ा हम अपने एहसास या बहुत सारी बातें अपने रिश्तेदारों या दोस्तों के साथ शेयर करने में मुश्किल महसूस करते हैं ऐसी सूरत में माहिर नफसियात से बात करना ज़्यादा आसान लगता है अगर आपका डिप्रेशन शदीद हो या काफी से चल रहा हो तो डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात तजवीज करेगा इन अद्वियात से आपकी उदासी कम हो जाती है जिंदगी बेहतर लगने लगती है और हालात का मुकाबला करने की सलाहियत भी बेहतर होती है याद रखिए कि एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात का फायदा आपको फौरन नजर नहीं आता बल्कि इसमें दो से तीन हफ्ते लग सकते हैं बाज़ात कुछ मरीजों को सवियर डिप्रेशन होता है जिन पर कोई अद्वियात भी असर नहीं करती इसके इलाज के लिए डॉक्टर उनको ई सी टी इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं जिसमें मरीज़ के दमाग को झटके दिए जाते हैं ये एक अफेक्टिव ट्रीटमेंट समझा जाता है लेकिन इसके काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हैं जिनमें से सबसे कॉमन है लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें मरीज़ की यादाइत आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है बाज चंद बुनियादी बातों पर अमल करके हम खुद को इस मर्ज से बचा सकते हैं जैसा कि अपनी खुराक का खास ख्याल रखा जाए फल, सब्जियां और सेहत बख्श खानों को तरजीह दी जाए अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हल्की फुल्की वर्जिश अखबार या कुतब का मतलब अपनी दिलचस्पी और मशाकल को मद्दनज़र रखते हुए मिसबत सरगर्मियों को अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए पॉजिटिव सेल्फ टॉक यानी मुस्बत खुद कलामी आपके एतमाद में इजाफे का सबब बनती है और आपको डिप्रेशन की कैफियत से बाहर निकालने में मावन साबित होती है डायरी लिखिए अपने तासुरात और एहसास को इजहार का रास्ता दीजिए अपनी जिंदगी में होने वाले खुशगवार वाकयात को याद कीजिए मुस्कुराहट की वजह ढूंढिए हमारी नस्ल का सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने अपनी ख्वाहिशात का दायरा बहुत वसी कर लिया है हमारी एक ख्वाहिश पूरी हो जाए तो हमें मजीद की तलब होती है हमने छोटी छोटी खुशियों को अहमियत देना छोड़ दिया है इसीलिए ये बेचैनी उदासियाँ हमारे अहद की अमत बन गई हैं खुश रहना सीखिए रुपए पैसे और मादी अशिया भले वक्त की ज़रूरत है लेकिन इन जरूरतों में सबसे बड़ी जरूरत आप खुद हैं। खुद तो पर तोा दीजिए